तो दोस्तों रियलमी जल्दी ही जी सीरीज को लॉन्च करने वाला है और इस सीरीज में आपको पहला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा रियलमी G1 के नाम से। सबसे पहले जान लेते हैं स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कोड ईयर कैमरा मिलेगा, 6000 एमएच का बैटरी मिलेगा फोन में, और यहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी मिलेगी इस फोन में, वो भी दोस्तों 10000 रुपए के नीचे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट का बैग देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों ग्लॉसअप की फिनिश से आता है और डिजाइन काफी यूनिक टाइप की देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको बैक साइड पर कोड ईयर कैमरा और वहीं एलईडी फ्लैश का सपोर्ट है। और यहाँ पर दोस्तों आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है और 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है फोन। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि IPS LCD पैनल के साथ आता है। यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है फोन के अंदर, और फोन के अंदर आपको पंच होल कटआउट में कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले की कलर क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए 16.7 मिलियन कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फोन के अंदर आपको मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा होगा। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 5G को सपोर्ट करता है, जो कि 2.2 GHz पर क्लॉक है। यहाँ पर आप PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग पर आप स्मूथली खेल सकते हो। और फोन के अंदर आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, यानी 2 SIM, 1 MB कार्ड आप लगा पाओगे। फोन जो है वो 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, 4GB, 64GB, 4GB 128GB और 6GB 128GB। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कोड ईयर कैमरा मिलता है, और यहाँ पर आपको सोनी का IMX482 सेंसर देखने को मिल जाएगा। इस फोन से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिससे आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही इस फोन से आप फेस ब्यूटी और पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हैं फ्रंट कैमरे से। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरी मिलेगा और 80W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, और वहीं आपको टाइप सी पोर्ट, माइक, 3.5 ऑडियो जैक एंड स्टीरियो स्पीकर एंड डॉल्बी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपको 3 रैम वेरिएंट में अवेलेबल मिलेगा फोन, 4GB 64GB का जो प्राइस है लगभग 10000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा या उसके नीचे। 4GB 128GB का जो प्राइस है वो 10.5 से 11 हजार के आसपास, 6GB 128GB का जो प्राइस है वो 13 से 12 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों सितंबर के फर्स्ट वीक में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया मार्केट में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट करके बताइए कि आप इन फ्यूचर इसके अनबॉक्सिंग देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।